नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव 24। मैं हूं आपके साथ रिया अशुपलिया। सत्ता में बैठी रमन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष मुद्दा तलाशने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। स्काई योजना के तहत मोबाइल वितरण के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत के आने की खबर ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का एक और मौका दे दिया। बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत के हाथों मोबाइल वितरण के बदले किसी छत्तीसगढ़ी कलाकारों के हाथों मोबाइल बांटने की बात कांग्रेस ने कही थी और कंगना रनौत को बुलाए जाने का विरोध किया था। इस विरोध का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को बुलाने का काम सरकार का नहीं बल्कि जियो वाले कर रहे हैं। अब जिन्हें विरोध करना है वो तो करेंगे ही। छत्तीसगढ़ी कलाकारों को ना बुलाने के आरोप पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के अधिकतर कार्यक्रमों में साल भर छत्तीसगढ़ी कलाकारों को ही आमंत्रित किया जाता है। बता दें कि सरकारी मोबाइल फोन में जियो का सिम लगाकर दिया जा रहा है। मोबाइल की कंपनी जियो कंपनी है, वो यदि किसी को बुलाने के लिए तैयार होते हैं, हमने कहा था कोई भी आए तो स्वागत है और कोई हीरो हीरोइन से एलर्जी नहीं है छत्तीसगढ़ को। और युवकों के मन में तो युवकों की टीम खड़ी होती है। मोबाइल युवकों को दिया जा रहा है, कॉलेज के युवकों को दिया जा रहा है, तो कोई हीरो और हीरोइन से मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मौका नहीं दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी दे दिया जा रहा है। रोज कर रहे हैं हमारे विकास यात्रा में, छत्तीसगढ़ के बाहर कोई रहता ही नहीं। पूरे 365 दिन हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ता, गांव गांव के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व कर। मोबाइल तिहार से क्या एक बड़ी क्रांति आएगी, जिस तरह से जो यूथ है वो लगातार जुड़ रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, एक महिला शक्ति की जागरण की 40 लाख हाथ में मोबाइल होगा, मोबाइल ऐप से जुड़ेंगे और उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही साथ उस मोबाइल से देश दुनिया की जानकारी, मौसम की जानकारी, कृषि की जानकारी, ई ट्रांजेक्शन के लिए उनको मदद मिलेगा। सरकार की सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से जुड़ेंगे। रायपुर जिले के गांव गोढ़ी में मध्यान्ह भोजन खाने से 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल में दोपहर में भोजन करने के बाद बच्चों को पेट में अचानक दर्द होने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बच्चों को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि चुनाव आयोग की परीक्षा के चलते जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी बच्चों की सुध लेने नहीं पहुंचा। जिस गाँव में यह घटना हुई वह सांसद रमेश बैस का गाँव है। गौरतलब है कि इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिस पर अब प्रशासन को रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ से जुड़ी अन्य ताजा अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए अलाइव 24 के साथ। नमस्कार।